कोकिला अपने तीन गोरे भाइयों की इकलौती बहन है, जिसका रंग उसके पापा के जैसे काला है, और तीनों भाइयों का रंग अपनी माँ की तरह एकदम दूध जैसा है। पापा अपनी बेटी कोकिला को ज्यादा प्यार करते हैं, माँ अपने गोरे बेटों को ज्यादा प्यार करती है और कोकिला से नफरत करती है। कोकिला पढ़ाई में बहुत होशियार और शांत लड़की है। वहाँ उसके तीनों भाई पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल कमजोर और गलत संगत में पड़े हुए लड़के होते हैं, जो स्कूल के नाम पे मूवी देखने जाते हैं। इन सभी बातों को लेकर आए दिन घर में पति पत्नी में झगड़ा हुआ करते हैं। एक दिन चारों बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर खाने की टेबल पर आते हैं और कोकिला बोलती है, पापा कल हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, जिसमें मैं बिल्कुल आपकी तरह आईपीएस ऑफिसर बनने वाली हूँ। वेरी गुड माई ग्रेट डॉटर, तुम एक दिन मुझसे भी बड़ी और बेहतरीन आईपीएस ऑफिसर बनोगी और मेरा नाम रोशन करोगी। मैं तो अभी से प्राउड फील करने लगा हूँ। बड़ी आईपीएस ऑफिसर मतलब आईपीएस किरण वेदी की तरह? हाँ मेरी बच्ची, बिल्कुल उन्हीं की तरह, एकदम ईमानदार, एकदम निडर। बस बस, अब खाना भी खा लो, जब देखो तब इसकी तारीफ की गंगा बहने लगती है। अच्छा, इस कॉम्पिटिशन में तुम तीनों क्या बन रहे हो मेरे लाडलो? मैं तो नेता बनूंगा। और मैं डाकू बनूंगा। और मैं बनूंगा बॉलीवुड का सुपरस्टार शाहरुख खान। कोकिला मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है। अरे वाह, क्या बात है मेरे गोरे अंग्रेजों, इतना मस्त आइडल चुना है तुम तीनों ने अपने लिए। बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो, रंग से भी और दिमाग से भी। तुम मेरे बेटों का मजाक मत उड़ाओ। जिस दिन ये तीनों फर्स्ट प्राइज जीत कर आएंगे, उस दिन खोलना अपना ये बेकार सा मुंह। और तुम्हारी ये काली बेंगन क्या लेकर आती है देखती हूँ मैं भी। बड़ी आईपीएस किरण बेदी बनने वाली, चपरासी बनने जैसी तो सकल है नहीं, बनेगी आईपीएस ऑफिसर। ये कहकर माँ और तीनों बेटे हंसने लगते हैं। कोकिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पापा गुस्से से अपनी पत्नी और बेटों को देखती रहते हैं और कोकिला को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। स्कूल की क्लास में सभी बच्चे टीचर के पास अपने अपने कॉस्ट्यूम के बारे में बताते हैं। टीचर सारे बच्चों का नाम नोट करती है, लेकिन कोकिला की ओर नजर आते ही वो उठकर जाने लगती है। तभी कोकिला की एक बेस्ट फ्रेंड बोलती है, सर आपने कोकिला से कुछ भी नहीं पूछा और उसका नाम भी नहीं लिखा। ये क्या पार्ट लेगी भला, क्या ये काली माता बनेंगी, ये काला बैंगन? सभी बच्चे टीचर की इस बात पर हंसने लगते हैं और कोकिला की आंखें आंसू से भर जाती है। ये देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड टीचर से कहती है, सर आप न्यू आए हैं ना, इसीलिए आपको शायद पता नहीं है कि कोकिला की पापा यहाँ के आईपीएस ऑफिसर है, और अगर उन्हें पता चल गया कि आपने उनकी प्यारी बेटी को रुलाया है, तो मुझे डर है कि कहीं आपकी जॉब ना चली जाए। टीचर ये सुनकर डर जाता है और कोकिला का नाम भी लिख लेता है। घर में कोकिला के पापा कोकिला के लिए आईपीएस की ड्रेस खरीद कर लाते हैं और उसकी माँ अपने तीनों बेटे के लिए उनकी पसंद की कॉस्ट्यूम लेकर आती है। अगले दिन चारों बच्चे अपने अपने कॉस्ट्यूम पहनकर पापा मम्मी के सामने आते हैं। कोकिला की पापा भी अपनी प्यारी बेटी को प्यार से टोपी पहनाते हैं और सल्यूट करते हैं। कोकिला भी अपने पापा को सल्यूट करते हैं। लो हो गया दोनों का नाटक शुरू। अपने तीनों बेटों को काला टीका लगाकर थू थू करते हुए बोलती है, किसी की काली नजर न लगे मेरे सुंदर सुंदर लाडलो को। और फिर सभी फैमिली फोटो जैसे सेल्फी लेते हैं। बड़ा बेटा कोकिला को धक्का देकर बोलता है, ये काली बंदरिया
तू हट जा हमारे बीच से, सारा फोटो खराब हो जाता है तेरी वजह से। हाँ ठीक कहा भैया आपने, इसके साथ वाली फोटो ना तो इंस्टाग्राम में अपलोड करने लायक होती है और ना फेसबुक व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर करने लायक होती है। बकवास बंद करो तुम तीनों, तुम्हारी बहन है वो और तुम उससे ऐसे बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। क्यों शर्म आनी चाहिए मेरे बेटों को, और क्या गलत बोला है इन्होंने? सच कड़वा ही होता है, तुम ना सुन सकते हो तो अपने कान बंद कर लो, सच तो सच ही रहेगी ना। कोकिला ये सुनकर रोती हुई जाकर अपने पापा के कार में बैठ जाती है, पर किसी को कुछ भी नहीं कहती है। पापा को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो भी अपनी मॉर्निंग खराब नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए चुपचाप चले जाते हैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने। स्कूल प्रोग्राम शुरू होता है। स्कूल के बच्चे स्टेज पर डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहनकर आते हैं और अपने बारे में बताते हैं। कोकिला की बड़े भाई की बारी आती है, वो एक चीफ मिनिस्टर के कॉस्ट्यूम में आता है और बोलता है, मैं हूँ आपका होने वाला गोरा खूबसूरत नेता, अगर आप सभी लोग मुझे अपना फालतू का वोट देकर जिताएंगे तो मैं आपके खेत में मार्बल का फर्श बनवा दूंगा और एक ऐसी मशीन बनवाऊंगा जिसमें एक तरफ से आलू डालेंगे और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। नीचे बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन उसकी पापा को बिल्कुल भी हंसी नहीं आती है। दूसरा बेटा एक डाकू बनकर आता है और सबको बंदूक दिखाकर बोलता है, दूर गांव में जब कोई बच्चा रात को रोता है तो उसकी माँ उससे कहती है, सो जा मेरे बच्चे सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। मैं हूँ गब्बर, गब्बर सिंह डाकू, सब कुछ लूट लेता हूँ दिखाकर चाकू। फिर से सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब बारी आती है छोटे बेटे की, जो बॉलीवुड हीरो शाहरुख की तरह बनकर आता है और हाथ में एक गुलाब का फूल लेकर बोलता है, कोई भी सिर्फ एक अंगूठी पहनाकर तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो सिमरन। सभी नीचे बैठे लोग ताली बजाते हैं और हंसते हैं। अब बारी आती है कोकिला की। स्टेज पर लाइट ऑफ हो जाती है, बस एक हल्की सी रोशनी आती है जिसमें से आवाज आता है, मैं सतयुग में अपने भक्तों को बचाने के लिए काली का रूप धारण किया और सभी दुष्टों का नाश किया, अपने काली रंग के कारण काली माता कहलाया। समय बीता, पापियों ने फिर से जन्म लिया, मेरे भक्तों ने मुझे याद किया और मैं कलयुग में एक आईपीएस बनकर आई, सारे पापियों का नाश किया और अपनी बहादुरी मेहनत और हिम्मत से आईपीएस किरण बेदी कहलाई। स्टेज पर पूरी रोशनी हो जाती है और सामने कोकिला आईपीएस की ड्रेस में होती है, जिसकी एक हाथ में रिवॉल्वर होती है और दूसरे हाथ में तलवार पकड़ी हुई होती है और स्टेज पर सामने देखकर बोलती है, मैं एक बहादुर लड़की हूँ जो समय आने पर काली माता भी बन सकती हूँ और बहादुर आईपीएस किरण बेदी भी। स्टेज पर जोर जोर से तालियां बरसने लगती है। कोकिला के पापा और मम्मी खड़े हो जाते हैं, ताली बजाते हैं। फर्स्ट प्राइज कोकिला को ही मिलता है, लेकिन आज हर कोई कोकिला से खुश होता है और उसके काले रंग से नहीं, बल्कि उसकी महान सोच और अच्छी बातों के लिए उसे देखकर प्राउड फील करते हैं। उसके तीनों भाई उसके साथ स्टेज पर खड़े होते हैं, सेल्फी लेते हैं, उसके रंग से भेदभाव नहीं करते हैं। उसकी टीचर भी आज उसके साथ सेल्फी लेते हैं और उसे सॉरी बोलते हैं। कोकिला बोलती है, सर आप सॉरी मत बोलिए, ये आइडिया तो मैंने आपसे ही लिया है, वरना इतना अच्छा इतना बड़ा सोच मेरी इतनी सी दिमाग में कहां से आता। और दोनों मुस्कुराते हुए सेल्फी लेने लगते हैं।